हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो बनाने की मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है? कोविड एरा में इस वीडियो की सख्त आवश्यकता है। आज मेरे पास लगभग दिन में 50 से 60 फ़ोन आते हैं। डॉक्टर साहब, कहीं से भी रेमडेसिविर, टॉसिलीजुमा, प्लाज्मा, इन सब का बंदोबस्त कराओ। कैसे भी करके मेरे मरीज को ये प्लाज्मा मिल जाए, रेमडेसिविर मिल जाए, टॉसिलीजुमा मिल जाए, तो मेरा मरीज बच जाए। इन्हीं सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मुझे बनाने की आवश्यकता पड़ी। सबसे पहली बात जो मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये चारों चीज़ें लाइफ सेविंग नहीं है। न रेमडेसिविर लाइफ सेविंग है, न प्लाज्मा लाइफ सेविंग है, न टॉसिलीजुमाब लाइफ सेविंग है। तो फिर भागना बंद करिए, दौड़ना बंद करिए। जब भी आप अपने मरीज के लिए पैनिक होकर के भागना शुरू करते हैं, उससे मरीज का मनोबल और आपका मनोबल, दोनों का मनोबल गिरता है। क्या है रेमडेसिविर? साधारण लैंग्वेज में बात करें तो रेमडेसिविर एक एंटीवायरल ड्रग है। और इस एंटीवायरल ड्रग का क्या यूटिलाइजेशन है? इस एंटीवायरल ड्रग का यूटिलाइजेशन सिर्फ इतना है कि अगर मरीज के इंक्यूबेशन पीरियड में, जब वो किसी के संपर्क में आया है, से लगाकर पहले 7 से 10 दिन के भीतर अगर उसको रेमडेसिविर दी जाए तो उसको फ़ायदा मिलता है। अदरवाइज इस दवा का कोई यूटिलिटी नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं, इस पे फैक्ट्स पे बात की जाए, फिगर्स पे बात की जाए, तो ठीक है, आप WHO की साइट खंगालिए और रेमडेसिविर को गूगल पर डाल के विकिपीडिया में देख लीजिए कि रेमडेसिविर कितना फ़ायदा करती है। तो फिर इतना क्यों इस पे माहौल बना है रेमडेसिविर की उपलब्धता और अनुपलब्धता को? आप इससे हटकर साधारण भाषा में इसको सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये एक लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है। अगर आपका मरीज परेशान है, ऑक्सीजन सेचुरेशन डाउन है और उसको कोई दिक्कत या तकलीफ हो रही है, तो उसमें ये ड्रग्स लाइफ सेविंग नहीं है। लाइफ सेविंग आपके मरीज के लिए है ऑक्सीजन उसको समय पर मिल जाए, जो हर अस्पताल में उपलब्ध है मोर और लेस। दूसरा, उसके लिए लो मोलिकुलर हेपेरिन या एंटीकोएगुलेंट जो हर अस्पताल में उपलब्ध है और सरकार में फ्री में उपलब्ध है। और तीसरा, कोई भी स्टीरॉयड जो उस इन्फ्लामेशन को रोक सके। ये तीन लाइफ सेविंग चीज़ें हैं जो हर अस्पताल में मोर और लेस अवेलेबल हैं, जिसके कारण से पेशेंट को सर्वाइव किया जा सकता है या बचाया जा सकता है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ करते हैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की। लोग कहते हैं अभी भय का पूरा माहौल है, हर न्यूज चैनल पे संक्रमित की दर बताई जा रही है, रिकवरी की दर कोई नहीं बता रहा। कितना पैनिक क्रिएट किया है। और मेडिकल साइंस में एक डिजीज होती है जिसका नाम है पैनिक सिंड्रोम। जब अब पेशेंट पैनिक में होता है तो उसको डिस्निया होना शुरू होता है, सांस फूलने लगती है। अच्छा, इस बात को ऐसे समझते हैं, आप जब कभी जीवन में भयग्रस्त हुए हैं तो आपकी सांस की गति कैसे रही है? आपके सांस की गति तेज चलना शुरू हो जाएगी। जब भी आप डरेंगे, आपको भय होगा, अज्ञात भय होगा, आपकी सांस की गति तेज चलने लगेगी। लोगों ने उसको कोरोना के संक्रमण से जोड़ दिया। तो ये भय के माहौल में कोई जिम्मेदारी समझे इस चीज़ को कि इसको पैनिक से निकाल के पॉजिटिविटी की ओर लेकर के जाया जाए। सरकार के प्रयास दुरुस्त हैं, सरकार हर जगह प्रयास कर रही है अपना कि ऑक्सीजन को पहुंचाया जाए, लाइफ सेविंग ड्रग्स को पहुंचाया जाए। तो उसमें पेशेंट के अटेंडेंट को पैनिक होकर के भाग भाग, नहीं मुझे रेमडेसिविर चाहिए क्योंकि मुझे अस्पताल में कहा गया है कहीं से भी इंजेक्शन उपलब्ध कराओ, कुछ नहीं बनने वाला है इससे। आपका पेशेंट अगर वेंटिलेटर पर है, अगर आपका पेशेंट और किसी तकलीफ में है, तो उस स्थिति में आप एक ऑर्नामेंटेशन कह सकते हैं। जैसे सपोज मुझे भूख लगी है और मुझे खाना खाना है और मेरे थाली में 2 सब्जी है, दाल है, पापड़ है, रोटी है और सलाद है। मैंने खाना खा लिया, लेकिन नहीं, मुझे तो रसगुल्ला भी चाहिए, इस रसगुल्ले से ही मेरा पेट भरेगा। तो ये ऑर्नामेंटेशन हम कह सकते हैं। जैसे प्लाज्मा थेरेपी है, प्लाज्मा थेरेपी ठीक है, अच्छा है, लेकिन अगर नहीं मिल पा रहा है कहीं से, तो उसमें पैनिक क्रिएट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस चीज़ के लिए मुझे ये वीडियो बनाने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि मेरे पास दिन में कम से कम नहीं करते हुए भी 50 से 100 कॉल के आसपास आ जाते हैं, डॉक्टर साहब कहीं से भी उपलब्ध कराओ। उपलब्ध हो गया बहुत अच्छा, लेकिन अगर उपलब्ध नहीं हुआ तो ये आपके मरीज की जान बचाने के लिए 100% फायदेमंद होगा, ये जरूरी नहीं है। इस बात को समझना जरूरी है। दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, राजस्थान में आज का डेटा है 4,39,000 लोग संक्रमित हुए। ये सब आपको न्यूज़ चैनल वाले बताएंगे, पर रिकवर कितने हुए ये आपको कोई नहीं बताएगा। 3.5 लाख से ज़्यादा लोग रिकवर कर चुके। और सबसे महत्वपूर्ण बात, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स है 3,268। अब
3,000 लोग तो मर गए ना डॉक्टर साहब, आपको ऐसे कैसे लगता है कि 3,000 लोगों का कोई वैल्यू नहीं था? तो आप बात को समझिए, भारत में पहले 10 जो मॉर्टेलिटी की कॉज हैं, आप गूगल पे जाके सर्च करिए, उसमें सबसे पहला होता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के अगर किसी व्यक्ति को कोरोना का संक्रमण या सुपरसीडरी इन्फेक्शन होता है तो उसकी मृत्यु के चांसेस ज़्यादा होते हैं वनस्पत इसके एक साधारण कामगार व्यक्ति के जो अपने डेली रूटीन के लाइफ को काम कर रहा है, जो भी अपने रूटीन में के काम कर रहा है। 85% लोग बिना किसी इलाज के, बिना किसी दवा के बिल्कुल ठीक हो रहे हैं अपने घर में, सेल्फ आइसोलेशन से, सोशल डिस्टेंसिंग से, इन सारी चीज़ों से। तो फिर इसके लिए पैनिक क्रिएट करके और भागने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जब भी आप कोई न्यूज़ चैनल खोलेंगे तो उसमें सबसे पहली चीज़ बताएगी, एक दिन में 2 से 3 लाख लोग संक्रमित हुए हैं। अरे भाई, संक्रमित हुए हैं, मरे थोड़ी हैं। एक दिन में 2 लाख लोगों की मृत्यु नहीं हुई है और होगी भी नहीं। इसकी अगर आप मोर्टेलिटी निकालेंगे, सपोज जैसे राजस्थान की ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट, नॉट कोविड, राजस्थान राज्य की जनसंख्या लगभग 7 करोड़ के आसपास है और राजस्थान राज्य में प्रति 1,000 जन्मे बच्चों में से 5.9 यानी लगभग 6 मृत्यु दर में माना जाता है। 1,000 में से 6 नवजात शिशुओं से जो एक मोर्टेलिटी रेट निकाली जाती है, कितने लोगों मृत्यु दर के हिसाब से। अच्छा, यहाँ पर अगर आप कोविड की मृत्यु दर निकालें या मृत्यु दर नहीं निकालें तो आप ये देखें कि संक्रमितों में से कितने मरे। दो बातें हैं, संक्रमित में से मरना और दूसरा होता है केस फैटलिटी रेट, यानी नंबर ऑफ केसेस में से कितने लोगों की डेथ हो गई है। जब वो लेस देन 1% है, 1% से भी कम लोग हैं जो संक्रमित होने के बाद मरते हैं, तो आपको क्या अपने आप पर भरोसा नहीं है क्या? तो अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखिए, अपने भीतर की प्राण शक्ति को बनाए रखिए और हर वक्त अपने आप से ये वादा कीजिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कुछ नहीं होगा मुझे और मेरे परिवार को। इस तरह की पॉजिटिविटी इस पूरे एटमॉस्फेयर में जब आप फैलाएंगे तो हो सकता है आपसे, आपके पड़ोसियों से, प्लस अगल बगल के लोगों को भी आपसे उस तरह की ऊर्जा मिलेगी वनस्पत इसके आप जब भागना शुरू करेंगे। मेरी सहानुभूति उन सभी लोगों के साथ है जिनके परिवारजन या जो लोग कोविड से संक्रमित हैं, उन सब के लिए मेरा ये मूल मंत्र है कि वो अपने आप से ये कहते रहें या दोहराते रहें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड मार्क माय वर्ड्स, आप चाहें तो लिख सकते हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा पर्पस था और फिर और कई वीडियोज़ के साथ आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।